रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है लूट लूट लूट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है अपीजमेंट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है डायनेस्टी फर्स्ट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवादियों पर नरमी। हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ना, मैं तो चाहूंगा कि हर परिवार अपने 18, 20, 22 साल के बच्चों के साथ बैठे और 10 साल पहले क्या हाल थे उसकी जरा चर्चा करें। शायद इन फर्स्ट टाइम वोटर जो आज से 10 साल पहले 8 साल 10 साल 12 साल के थे, उन्हें तो याद भी नहीं होगा 10 11 साल पहले यहां दिलसुख नगर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। कांग्रेस की सरकार में पहले पूरे देश में ऐसी ही खबरें आती रहती थी। कोई परिवार रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है, ब्लास्ट हो जाता है। कोई परिवार थिएटर में मूवी देखने गया है, ब्लास्ट हो जाता था। कोई परिवार बस से ट्रैवल कर रहा है, ब्लास्ट हो जाता था। आज कहीं से भी ऐसी खबरें आती हैं क्या? जरा इस तरफ से मुझे जवाब चाहिए, क्या ऐसी खबरें आती हैं क्या? उधर से जरा बताइए, ऐसी खबरें आती है क्या? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट रोकने का काम आपने दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाई, मोदी को सेवा उसका अवसर दिया, तब जाकर के रुका है। लेकिन ये बात कांग्रेस और इंडी गठबंधन को पसंद नहीं आ रही है। देश में ये खून खराबा फिर से शुरू हो, इसके लिए कुछ ताकतें मोदी को हटाने में जुटी है। इसलिए मैं हैदराबाद से पूरे देश को सतर्क करना चाहता हूं, कांग्रेस को वोट देना मतलब वो पुराने दिन जो कोई अनजान पंजा आतंक को उसके साए में जीने के लिए देश को मजबूत कर दिया था, देश को मजबूर बना देता था। और इसलिए फिर से एक बार देश आतंक की लपट में आना नहीं चाहता है। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एंटी मिडिल क्लास पार्टी रही है। आप याद कीजिए, जब ये सरकार में थे तो कैसी कैसी बातें करते थे। इनके एक नेता कहते थे कि मिडिल क्लास केयरलेस है, उनके नेता कहते थे कांग्रेस के, वो कहते थे कि जो आइसक्रीम पर पैसा खर्च करते हैं वो महंगाई की शिकायत क्यों करते हैं, याद है ना पुराने बयान। ये कांग्रेस के नेता सरकार में रहते ऐसे बयान देते थे। साथियों, इस बार भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में
मिडिल क्लास के लिए जरा सा भी विचार नहीं किया गया है, लेकिन ये लोग मिडिल क्लास की कमाई का एक्सरे करके उसे अपने वोट बैंक की और उनको बांटने की घोषणाएं डंके की चोट पर कर रहे हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, आपकी जो संपत्ति है उस पर आपके संतानों का अधिकार है कि नहीं है? जरा मुझे सबके सब लोग बताइए, क्या आपकी संपत्ति पर आपके संतानों का अधिकार है कि नहीं है? क्या कोई सरकार आपकी संपत्ति छीन करके आपके संतानों का अधिकार छीन ले, ऐसी सरकार आपको मंजूर है? साथियों, कांग्रेस ये विचार करके चल रही है। साथियों, कांग्रेस की नस नस में रेसिज्म का जहर भी भरा है। ये शाहजादे के उस्ताद अपने ही देश के लोगों को चीन का अफ्रीका का बता रहे हैं। शाहजादे के उस्ताद की माने तो आज सभी भारतीय नहीं बल्कि अफ्रीकी है। कांग्रेस देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने वाली मानसिकता के साथ बोल रही है। ये लोग भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, इसलिए आपको कांग्रेस से, इंडी अलायंस से बहुत सतर्क रहना है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि शाहजादे को ऐसे खतरनाक आइडिया ट्यूशन करके सिखाए जाते हैं और शाहजादे को ट्यूशन पढ़ाने वाले ने एक और बात कही है। वो कहते हैं कि राम मंदिर और रामनवमी मनाना गलत है। वो कहते हैं कि भगवान राम की पूजा आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम का अपमान आपको मंजूर है? क्या पूजा करना गलत है? क्या क्या पूजा करना देशद्रोह है? क्या भारत को हमेशा विदेशी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस को आइडिया ऑफ इंडिया का अंदाज ही नहीं है। आखिर क्या है आइडिया ऑफ इंडिया? आइडिया ऑफ इंडिया भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति का प्रतिबिंब है। आइडिया ऑफ इंडिया यानी सत्यमेव जयते। आइडिया ऑफ इंडिया यानी अहिंसा परमो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया यानी आचार परमो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं सत्यात
परो धर्म आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ सम्भाव, आइडिया ऑफ इंडिया अप दीपो भव, आइडिया ऑफ इंडिया बुद्धम शरणम गच्छामि, आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, आइडिया ऑफ इंडिया परोपकाराय सताम विभूतयः, इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया जन सेवा ही प्रभु सेवा, आइडिया ऑफ इंडिया ईश्वर सर्वभूतानाम, आइडिया ऑफ इंडिया सर्व ज्योति के बीच समाना, आइडिया ऑफ इंडिया गॉड इज ग्रेट, आइडिया ऑफ इंडिया नर में नारायण जीव में शिव, आइडिया ऑफ इंडिया या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी, आइडिया ऑफ इंडिया माँ विद्विषा है, आइडिया ऑफ इंडिया मिच्छामि दुक्कड़म, और आइडिया ऑफ इंडिया अपि स्वर्णमय लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमें जन्म देने वाली ये धरती मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है, ये भगवान श्री राम के ही तो बोल थे। ये आइडिया ऑफ इंडिया आज केवल मान्यताओं तक सीमित नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया आज भारत की एक सशक्त पहचान है, ये आइडिया ऑफ इंडिया आज भारत की बुलंद आवाज है, और इसलिए आज आइडिया ऑफ इंडिया यानी इंटरनेशनल योग दिवस, आइडिया ऑफ इंडिया यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का विजन, आइडिया ऑफ इंडिया यानी विश्व के लिए वन सन वन अर्थ वन ग्रिड का विचार, आइडिया ऑफ इंडिया यानी चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट, आइडिया ऑफ इंडिया मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ इंडिया जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट टू नन। जिन श्री राम से हमें ये प्रेरणा मिलती है उन्हीं प्रभु राम की पूजा को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ बता रही है। साथियों, तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस और उसकी जैसी सोच वाली पार्टियां कुछ भी कर सकती है। यहां हैदराबाद में भी MIM को इसलिए ही खुली छूट दी गई है, वोट बैंक ना नाराज हो जाए इसी डर से ना तो कांग्रेस और ना ही PRS हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहती है। लेकिन अब बीजेपी ने हैदराबाद को इस खौफ से मुक्ति दिलाने की ठानी है। केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि हर साल 17 सितंबर को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। भाई और बहनों, हिंदुओं को बांटो और अपने वोट बैंक को खुश करो, ये कांग्रेस